अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल लवली लवली व्यूअर्स एंड माय लवली लवली यूट्यूब सब्सक्राइबर। तो आज मैं अपने किचन में आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन सुक्का और बन रेसिपी। ये साउथ इंडियन फेमस रेसिपी है, तो चलिए इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिया है एक और आधा कप यानी कि डेढ़ कप मैदा, और इसे अच्छे से छान लिया था मैंने पहले ही, और आधा टेबल स्पून डाल रही हूँ नमक और हाफ टी स्पून डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, और एज पर नीडेड नॉर्मल वाटर से इसको बिल्कुल टैप वाटर से हम एकदम सिंपल सा सॉफ्ट सा डो बना लेंगे, जैसा हम रोजाना का आटा गूंथते हैं बस सेम उसी तरह। और एक टेबल स्पून हम डाल देंगे इसमें कुकिंग ऑयल, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं विदाउट स्मेल वाला। तो इसे अच्छे से हम इस तरीके से सेट होने के लिए रख देंगे। दो टेबल स्पून हम इसमें इसको रख देंगे रेस्ट के लिए बहुत अच्छे से इसके ऊपर कोट करके। तो इसे रख देते हैं साइड और ले लेते हैं एक अलग बाउल, और उसमें डालेंगे हम 400 ग्राम बोनलेस चिकन जो हमने कर लिया है मैरिनेट। तो इसमें डाल रही हूँ मैं आधा टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टी स्पून डाल रही हूँ नमक, आधा टी स्पून डाल रही हूँ चाट मसाला, और एक टेबल स्पून डाली हूँ यहाँ पर लेमन जूस, और दो टेबल स्पून डालूंगी यहाँ पर मैं मैदा, और एक टेबल स्पून डालूंगी मैं कॉर्नफ्लावर यानी के जो कॉर्नफ्लावर यानी के अरारोट, एक टेबल स्पून डाला है मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सब चीजों को। आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़े तो इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो दो टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करें, अगर आपको और ज्यादा स्टिकी हो रहा है तो और भी ऐड कर सकते हैं। तो रख देते हैं इसको मैरिनेशन के लिए साइड पर, और ले लेते हैं एक अलग पैन और उसमें डाल लेते हैं 200 से 200 ग्राम तेल, और उसमें डालेंगे दो बड़ी साइज की प्याज, और इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन करते हुए स्लो स्लो मीडियम टू लो फ्लेम पर, जिससे कि ये बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इनको निकाल लेना है अलग, बिल्कुल इनका ऑयल स्टेन करके एक प्लेट में, और रख देना है बिल्कुल एक एक प्याज को खोलकर ताकि ये अच्छे से सूख जाएं, बिल्कुल ड्राई हो जाएं, ठंडी होने के बाद ये अच्छे से हाथ से क्रश हो सकें। तो उसी पैन में मैं जो मैरिनेशन के लिए हमने चिकन रखा हुआ था मैंने एक घंटा पहले मैरिनेट कर लिया था, तो अब उसी तेल में मैं इसको करूँगी डीप फ्राई। तो आप देख सकते हैं जब ये हल्का सा डीप फ्राई होना शुरू हो जाए तो इसको अलट पलट कर लें एक साइड पे, और 5 मिनट से पहले इसको बिल्कुल टच नहीं करें ताकि ऊपर की जो कोटिंग है वो बिल्कुल सेट हो जाए। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसको निकाल लेंगे वापस से एक प्लेट में, बाद में हम जब टाइम होगा इसको इस्तेमाल करेंगे। तो साइड रख देते हैं इसे इस तरीके से निकाल कर। ये देखिए हमने प्लेट में निकाल लिया है, और उसी पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल कम किया था और उसमें डालिए एक टीस्पून जीरा, और कुछ दाने हमने डाले हैं मस्टर्ड सीड्स के, क्योंकि साउथ इंडियन रेसिपी है तो इसमें साउथ इंडियन कुछ मसाले भी पड़ेंगे, जैसे कि मैंने डाला है यहाँ पर सूखा हुआ करी पत्ता और फ्रेश करी पत्ता। अगर आपके पास फ्रेश वाला हो तो आप पूरा फ्रेश वाला ही डालें 4 से 5 लीव्स, मेरे पास दोनों ही अवेलेबल थे तो मैंने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। तो इसमें डाल दिया एक टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, और एक टेबल स्पून यहाँ पर डाला है मैंने अदरक का पेस्ट, मेरे पास अदरक का पेस्ट ही मौजूद था तो मैंने वो ऐड किया है, अगर आपके पास अदरक बारीक कटी हुई हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे और इसमें डालेंगे आधा टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ताकि इसका जो कलर है वो और अच्छे से आ जाए। डालेंगे एक टेबल स्पून धनिया, यहाँ पर डालेंगे हम नमक क्योंकि नमक हमने मैरिनेशन में भी डाला था इसलिए यहाँ पर कम डालेंगे, इसे अच्छे से भून लेना है हमें। तो ये डाल रहे हैं हम कुछ लाल मिर्चें और हरी मिर्चें जो हमारे पास अवेलेबल है, आपके पास ग्रीन है तो सब ग्रीन ही ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये टमाटर, दो बड़े साइज के टमाटर, टमाटर अच्छे से मैश हो जाएं, पक जाएं, आपको लगे कि पक जाएं, इस तरह से मैश करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे वो फ्राइड चिकन जो हमने पहले से
फ्राई करके रखा हुआ था और इसमें इसे मिक्स कर लेंगे। ये पानी और इसको ऐड करने के बाद इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करके और थोड़ी सी देर के लिए पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये है वो प्याज, मैंने इसको हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लिया है फ्राई होने के बाद, जब मैंने इसको खोल कर रखा तो ये क्रश मैंने कर लिया है इसको, तो आप देख सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे और एज पर नीडेड आपको अगर ज़रूरत लगे तो इसमें 2 टेबलस्पून पानी फिर से ऐड करके इसको फिर से 2 से 3 मिनट पकाने के लिए रख देंगे। तो मैं भी इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर रही हूँ और दरासा सा चिकन का पीस चेक करेंगे हम कि टेंडर हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारा चिकन का पीस टेंडर हो चुका है। बिल्कुल लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून चाट मसाला, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अब ये थोड़ा सा खुश्क हो चुका है। हमारी वो चिकन पीसेस भी बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। तो अब इस लास्ट स्टेज पर जब ये रेडी टू सर्व है तो मैं इसको गार्निश कर रही हूँ थोड़े से हरे धनिए से और इसको भी अच्छे से मिलाकर मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना इजी वे में हमने अपना जो चिकन सुक्का है उसको कितने अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है। नाउ इट्स रेडी टू सर्व। तो इसके साथ के लिए बना लेते हैं अब हम बंस, तो उसको भी फ्राई कर लेंगे। तो चलिए इट्स रेडी टू सर्व, इसको रख देते हैं एक साइड पर। तो आप देख सकते हैं हमारा डो एकदम परफेक्ट है हमारे बंस बनाने के लिए, बिल्कुल रोल परांठे की तरह ही बनेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कुछ स्टेप्स। अपने रोलिंग पैक को इस तरीके से ग्रीस करते हुए तो इस आटे को डिवाइड कर लेते हैं हम 2 पार्ट में, आधा उठा कर रखेंगे। ये देखिए तो इवनली अब इसकी कटिंग कर लेंगे लोइयां बनाने के लिए। ये सभी कट कर लिए हैं हमने, तो इसमें से 4 लोइयां बनी हमारी। तो इस तरीके से अब इनको पेड़े बना लेंगे इस तरीके से और इनको रख सभी तैयार करके रख लेंगे एक साइड पर। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी परतें आ रही हैं इसमें। तो तैयार है तो इन्हें हम रख लेते हैं इस प्लेट में और वापस से इसमें हम फिर से ऑयल डाल लेते हैं और फिर से इनको रख देंगे रेस्ट के लिए। तो इस रोलिंग पिक को इस तरीके से ग्रीस करके इस पे एक इसको इसको भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे हम और इसे जितना स्प्रेड कर सकते हैं हम उतना पतला स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड कर लिया है तो इसको तो हम पहले ग्रीस करेंगे ऑयल से इस तरीके से और हल्का सा इस पे आटा स्प्रेड करते हुए इस तरीके से और फिर इसको हम कुछ इस तरीके से फोल्ड करते हुए किनारियों तक भी फोल्ड करें ऐसे, कुछ किनारियां इस तरीके से आनी चाहिए इसकी। आप देख सकते हैं मैं करीब से दिखाऊं तो आपको, ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी प्लेटें आनी चाहिए। ये देखिए कितनी बेहतरीन एक एक परत आपको दिख रही होगी। तो चलिए अब इसको
इस तरह से उंगली पे लपेटते हुए, या आप जो भी शेप देना चाहें आप वो दे सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि जो मैं दे रही हूँ उसी तरीके से आप इसको शेप दें, बट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें इतनी अच्छी से रिंग्स बन गई हैं। इंशाल्लाह इसमें जितने अच्छे से हमने इसको कवर किया या प्रेस करके बनाया है, तो अब इसको भी रख देते हैं एक साइड पे और दूसरा बनाकर दिखाते हैं आपको। ये मेरे ख्याल से सबसे इजी मेथड होगा इसका लच्छा पराठा बनाने का, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये देखिए जिस तरीके से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। और आप इस तरीके से भी इसको गोल गोल घुमा के ये देखिए, तो सभी इसी तरीके से बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सभी हमने इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इन्हें फ्राई करना शुरू करते हैं। तो पैन में हम डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल और ले लेंगे इन बंस को जो हमने पहले से बनाकर रखे हुए थे, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे, ज़्यादा स्प्रेड नहीं करेंगे। और ये देखिए कुछ इस तरीके से स्प्रेड करके हमें इसमें इस तरीके से डाल देने हैं सिकने के लिए। अब कुछ दूसरा वाला भी मैं आपको दिखाती हूँ, बस इसी तरीके से इनको स्प्रेड करेंगे दोनों साइड से, बस रोलिंग पिन की हेल्प से नहीं करेंगे। इनके जो सारे जो हमने इसमें डाले हुए हैं परते हैं वो सब खराब हो जाएंगी, नहीं तो इनका वो ऑथेंटिक लुक नहीं आएगा अगर आपने इनको ज़्यादा बड़ा कर दिया। बस इसी तरीके से इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। जब आपको लगे ये एक साइड से हो चुके हैं तो दूसरी साइड से सेकने के लिए इनको फ्लिप कर दें इस तरीके से। ये कुछ अच्छा सा सिका है माशाल्लाह, आप दूसरा भी फ्लिप कर लेते हैं। तो इसी तरीके से दूसरी साइड से भी अब हम इसको सेक लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर नहीं। तो आप देख सकते हैं कुछ देर बाद मैं इनको दूसरी साइड से भी फ्लिप कर रही हूँ, तो माशाल्लाह ये कितना प्यारा कलर आ रहा है इनका। कुछ इस तरीके के होते हैं ये बंस, साउथ इंडिया की रेसिपी। तो कितना इजी, कितना परफेक्ट सिंपल वे में हमने सुक्का चिकन विद बंस बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप भी अपने किचन में मेरी इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब खैर। रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल और मेरी इस रेसिपी को इसी तरह देखते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।